विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर भागलपुर प्रशासन जुट गया है। श्रावण में लगने वाले विश्व के सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक मेले के दौरान उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा घाट के कांवरिया पथ पर बिछेगा कालीन, 11 जगहों पर लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। मेला क्षेत्र में 6 जगहों पर कांवरियों के ठहराने की व्यवस्था। सेलिब्रिटी कलाकारों की होगी परफॉर्मेंस। आपको बता दें कि DDC सह प्रभारी जिलाधिकारी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जिसमें आने वाले लाखों कांवरियों के लिए मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सफाई, पेयजल, वाहनों का पड़ाव, ट्रैफिक व्यवस्था, सूचना केंद्र, कच्ची कांवरिया पथ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रभारी DM ने तैयारी की समीक्षा बैठक करते हुए बताया कि गंगा घाट से कांवरिया पथ तक कालीन बिछाई जाएगी, सीढ़ी घाट पर फाउंटेन बनेगा, 5 जगहों पर झरना और 222 जगहों पर चापाकल लगाए जाएंगे, सभी ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किए जाएंगे ताकि बिजली पर्याप्त मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में 6000 पर कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, 11 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगेंगे और डूबने वालों को बचाने के लिए घाट पर गंगा मित्र भी तैनात रहेंगे। साथ ही सेलिब्रिटी कलाकार भी आएंगे, जिनकी प्रस्तुति अजगैवी नाथ धाम में होनी है। श्रावणी मेला को लेकर के ये तीसरी समीक्षा थी और हम लोगों ने जितने भी टारगेट दिए थे सभी विभागों को, उसकी समीक्षा की गई कि कितना अचीवमेंट उनके द्वारा किया गया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, तो उनके द्वारा ज़्यादातर बहुत विभागों के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी अगले एक सप्ताह में सभी लोगों का टेंडर भी ओपन होगा, जिसमें निर्धारित हो जाएगी बहुत सारी दरें और काम भी आगे बढ़ेगा। उसके अतिरिक्त मेन जो काम था आपका नगर परिषद और PHD विभाग द्वारा था, जिनको साफ सफाई और पानी की व्यवस्था करनी है, तो जितने भी चापाकल का टारगेट था लगभग 90% की मरम्मति PHD के द्वारा कर दी गई है। इसी तरह से पर्याप्त मात्रा में RO वगैरह का भी उनके द्वारा आपूर्ति कर ली गई है और नगर परिषद द्वारा भी कूड़ेदान वगैरह की व्यवस्था का अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया गया है। उसके अलावा टेंडर भी उनके द्वारा फ्लोट कर दिया गया है। तो अभी जितने भी कार्य की समीक्षा की गई सभी संतोषजनक है। मेजर व्यवस्था हम लोग की थी कि जो NH बन रहा है, NH का चौड़ीकरण, उनको टारगेट फिक्स करके दे दिया गया कि 25 तारीख तक कम से कम वो अपना कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर मिट्टी वाली कार्य रहेगी तो बारिश के समय में कीचड़ के कारण समस्या होने की संभावना है। उसी को लेकर के अभी SDM और ADM साहब भी वहाँ स्थल निरीक्षण करेंगे और उनको डेली का टारगेट दे दिया गया है ताकि 25 तारीख तक कम से कम जो चौड़ीकरण वाला कार्य है वो पूर्ण हो जाए। सर, वो बालू पर जो सफ़ेद बालू जो बिछाया जा रहा है कांवरिया पथ, इस बार पानी की व्यवस्था का नहीं हो पाया? नहीं, उसका भी हम लोग अरेंज कराएंगे। इस बार है कि पानी की व्यवस्था भी हम लोग के सूचना आई है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम लोग लोकल स्तर से अरेंज करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हाँ, उसके लिए कार्यक्रम होता है, उसमें कलाकार दो स्तर से होते हैं, एक विभाग स्तर से ही चयन होता है और एक है कि हम लोग जो जिला स्तर से चयन करते हैं। तो जिला स्तर के लिए भी समय दिया गया है, करीबन अब अगले सप्ताह के बाद जितने लोगों का भी आवेदन आएगा उसमें से चयन किया जाएगा और जो विभाग स्तर से है उसकी प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि यह बैठक श्रावणी मेला को लेकर अहम थी, क्योंकि इसी बैठक में मुख्य सचिव को 59 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को पूरी PPT भेजी जाएगी ताकि मुख्य सचिव को पूरी तैयारी की व्यवस्था से अवगत कराया जा सके। पंजाब केसरी TV के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।